प्रख्यात चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केबी सहाय का अंतिम संस्कार गुरुवार को आरा शहर के गांगी नदी स्थित मुक्ति धाम पर किया गया। इस दौरान चिकित्सक की दोनों पुत्रियों ने बेटे का फर्ज निभाया। बड़ी पुत्री कजरी वर्मा उर्फ गुड़िया तथा छोटी पुत्री कविता देवकुलियार उर्फ तितली ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान माहौल गमगीन हो गया, सभी लोगों की आंखें नम हो गया। दाह संस्कार के मौके पर कई लोग मौजूद रहे। आपको विजुअल बना लेने दो। शहर के और जिले के जाने माने चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केबी सहाय की पुत्री है, उनका निधन हो चुका है और आप लोगों ने अंतिम और क्या संदेश देंगे लोगों को? बहुत गर्व महसूस हो रहा है। पापा ने हमेशा हम लोगों को अपना बेटा माना है, तो इसलिए हम लोग इस कार्य में भी उसी तरह से कार्य कर रहे हैं जैसे पुत्र करते हैं। बहुत गर्व हो रहा है इस बात। एक चीज़ देखा जाता है कि रूढ़िवादी परंपराएं होती हैं कि महिलाएं जो होती हैं उनको सब कुछ में, देखिए कहा जाता है कि जो रूढ़ियाँ समाज के विकास के लिए बाधक होती हैं उनका टूट जाना ही सबसे अच्छा होता है। तो ये सब रूढ़ियाँ हैं। जमाना इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, लोग लड़कियों को हर जगह अधिकार दे रहे हैं, तो ये भी तो हमारा अधिकार है। यानी आपको काफ़ी खुशी महसूस हो रही है? बहुत बहुत ज़्यादा गर्व और खुशी दोनों महसूस हो रही है। यानी आज आपके पिता को आत्मा को लगेगा कि उनको ऐसा महसूस नहीं प्रतीत होगा कि उनके बेटे नहीं थे? पूरा विश्वास है कि उनको बहुत शांति मिली होगी क्योंकि ये काम भूल गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कजरी वर्मा। ऐसा है कि हमारे पापा ने कभी हमें बेटी माना ही नहीं, उन्होंने सब चीज़ हमें बेटा जैसा किया। तो जैसे उस समय में जब लोग आठ आठ बच्चे पैदा करते थे कि बेटा हो जाए, और उस समय वो दो बेटियां रख करके हम लोग को रखे, ये हम लोग के लिए गर्व की बात है कि वो हम लोग के पापा हैं। और हम लोग भी चाहेंगे कि हर जन्म में हम लोग को वैसा ही पापा मिले। लोगों को क्या संदेश देंगे कि बेटियों को, जो लोग इस तरीके से सोचते हैं कि बेटियों को आगे ना बढ़ने दिया जाए, समाज में बराबरी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन ये जो अंतिम क्षण होता है एक पिता और पुत्री के बीच में, और आज आप लोगों ने इस मिसाल को पेश किया है इस शहर के लिए और देशवासियों के लिए, ये लोगों की नज़र है। हम लोग की नज़र में तो सब जो बच्चे होते हैं वो जो काम करना है सब करते हैं। हम लोग दो पुत्रियां थे, हम लोगों ने सब कुछ किया उनके लिए, और आगे भी ऐसे ही किसी को भी ऐसे इस तरह का सोचना ही नहीं रह चाहिए कि पुत्र और पुत्री अलग अलग। उन माँ बाप को क्या सुझाव देंगे, सलाह दें? अब तो समय बहुत बदल गया है, सब लोग पुत्र और पुत्री में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। पहले ऐसा समय था, उस समय हम लोग दो पुत्रियाँ थे, लेकिन आज के समय में तो सबकी विचारधारा बिल्कुल बदल गई है और सब लोग पुत्र और पुत्री से कोई भेदभाव नहीं करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता देवकुलिया, तितली के नाम से। शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर केबी सहाय का विगत दिनों निधन हो चुका है, और उनके निधन पर पूरा भोजपुर में अभी समय शोक का लहर का माहौल कायम है। आपको बताते चले कि सबसे बड़ा बात आता था कि आखिर उनको कांधा और अंतिम मुखाग्नि कौन देगा, तो आज इस भोजपुर की धरती पर एक बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि उनकी दोनों पुत्रियों ने डॉक्टर केबी सहाय को मुखाग्नि दिया था। और ये भोजपुर वासियों के लिए गर्व की बात है क्योंकि जिस प्रकार से पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का इस तरीके से मुखाग्नि देना एक रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ने के बराबर है। और उनकी बेटियों से जब हमने जाना चाहा तो उन्होंने कहा कि उनके पिता उन्हें कभी भी बेटियों से कम नहीं समझते थे और उन्हें बराबरी का वो दर्जा देते थे। ये मेरा अपना एक सलाह है उन माता पिताओं को जो लोग अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं और कहते हैं कि बेटियों को चले जाने के बाद उनका क्या होगा, तो आप इन दो बहनों से सीख लें क्योंकि जिस तरीके से आप उनको परवरिश देंगे उस तरीके से बच्चों में ये आता है स्वभाव में। सहयोगी चंदन के साथ धर्मेंद्र कुमार, 18 सिटी न्यूज़।